गिलेरे कंपर। लेकिन अच्छा हुआ किचन साफ कर दिया, वरना माधवी आके मुझे बोलती कि मेरा काम बढ़ाने के लिए जानबूझ के आपने ऐसा किया है, फिर से झगड़ा कर दिया। आज मेरे नसीब में खाना है ही नहीं, और वैसे भी बगैर माधवी के मेरे गले के नीचे खाना कैसे उतरता। दे आज उपवास, काय फरक पड़ता है। देखो तो अभी भी गुस्से में दिख रही है। अरे गुस्सा इसे करना चाहिए मुझे? बगा कैसे भूले बन के खड़े हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं है। देखो इतनी गर्मी में भी झगड़ने की ताकत है, होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ और महारानी मस्त बेगी होटल से खा के जो आ रही है। ये देखो ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड़ भी लेके आई है। महाराज के चेहरे पे गुस्से की ताकत तो देखो, बराबर खा पी के बैठे हैं ना, ताकत तो होगी ही। मैं इनकी वजह से यहाँ भूखी बैठी हूँ बेचारी। पति पत्नी के झगड़े की बात पत्नी ने अपनी सहेलियों को बताई, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पति ने भी अपने झगड़े के बारे में पड़ोसियों को बताया, पड़ गई पति के कलेजे में ठंडक। पति ने पड़ोसियों को नहीं बताया था, वो तो ऐसे ही पता चल गया था। तो मैंने भी बबीता जी और अंजलि बबी को नहीं बताया था, उनको भी ऐसे ही पता चल गया। लोगों के सामने पति की बुराई करते हुए जरा भी शर्म नहीं है? आपको शर्म आई थी पत्नी को लोगों के सामने नीचा दिखाते वक्त? तुमसे बात करना मतलब ना पत्थर पे पानी डालने जैसा है। तो मत करिए ना पानी वेस्ट, मत डालिए पानी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना। तो यहाँ किसको इंटरेस्ट है? और आपको बात नहीं करनी है ना तो आप बेडरूम में जाइए, गैलरी में जाइए, जाइए ना कहीं पे। हाँ तो मुझे भी यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। अच्छा है देवा सोनू घर में नहीं है, वरना ये सब वो देखती तो क्या सोचती। मेरी सोनू समझदार है, और उल्टा वो यहाँ होती ना तो सच का साथ देती, सच का। ऐसे पूछ रहे थे जैसे बेडरूम इनका अकेले का हो। मुझे सॉरी कहने के बजाय मुझसे झगड़ रही है, समझती क्या है अपने आपको? मैं क्यों अंदर आ गई? मैं हॉल में बैठ सकती थी, मैं हॉल में ही बैठूंगी। एक मिनट, उसने बोला और मैं बेडरूम में आके बैठ गया, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं बाहर ही बैठूंगा। आ गए मेरे पीछे पीछे। मैं कोई तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ, ये पूरा घर मेरा है, मैं जहाँ मर्जी चाहे बैठूं, मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ, जहाँ मर्जी चाहे बैठ सकता, मैं इधर भी बैठ सकता हूँ, ये पूरा घर मेरा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अंदर जाओ। ओ ट्रैफिक हवलदार, मैं क्यों अंदर जाऊँ? ये मेरा भी घर है, मैं यही बैठूंगी। हाँ तो बैठो ना। ईगो तो देखो, सुबह से झगड़ा कर रही है लेकिन ऐसा नहीं होता कि सॉरी बोले। ये चाहते हैं कि मैं उनको सॉरी बोलूं, लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? उनको सॉरी बोलना चाहिए, एक तो चोरी, ऊपर से बोलते भी नहीं है सॉरी। मैं क्यों सामने से बात करूं? मैं क्यों झुकूं? कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकने वाला। अरे मर्द मराठा है, मोड़ेन पर वाकणार नहीं। खुद को मर्द मराठा समझ रहे होंगे, लेकिन मैं भी झांसी की रानी से कम नहीं हूँ, मैं नहीं झुकने वाली। देखो देखो कैसे मुंह बना रही है, एकदम कार्टून दिख रही है।
कैसी रिएक्शन दे रहे हैं, एक नंबर के कार्टून है कार्टून। छोड़ो, इससे मन में भी बहस करने जैसा नहीं है।